लव अग्रवाल जी से मेरा सवाल है कि तमाम राज्यों की तरफ से ये खबर आ रही है कि राज्य चाहते हैं कि लॉकडाउन को और ज़्यादा बढ़ाया जाए, तो उसको लेकर केंद्र सरकार का क्या विचार है, क्या इसको बढ़ाने पर विचार कर रहा है? सर, इसके बारे में इससे पहले भी चीफ कैबिनेट सेक्रेटरी साहब ने एक डिटेल अपना उन्होंने नोट इशू किया था। अभी जैसे आपने बताया, ये रिक्वेस्ट आ रही है स्टेट से, अगर इसके बारे में कोई भी डिसीजन अप्रोप्रिएट लेवल पर डिस्कशन के बाद लिया जाएगा तो मैं आप लोगों की दृष्टि में ले आऊंगा। एक ऑनलाइन क्वेश्चन, हाउ विल द आइडेंटिफाइड हॉटस्पॉट्स बी मैनेज आफ्टर अप्रैल 15 व्हेन द लॉकडाउन एंड्स? जैसे कि मैं इससे पहले आप सबको बताता आ रहा हूं कि हमारी दो स्ट्रैटेजीज हैं इन टर्म्स ऑफ मैनेजमेंट ऑफ केसेस। एक हम बोलते हैं क्लस्टर कंटेनमेंट स्ट्रैटेजी, एक हम बोलते हैं जहां पर थोड़े ज़्यादा केसेस आते हैं तो अगर वो एक आउटब्रेक एमिनेबल टू मैनेजमेंट। इन दोनों स्ट्रैटेजीज के तहत हम जैसे लॉकडाउन या सोशल डिस्टेंसिंग एक मेजर है, इन टर्म्स ऑफ कंटेनमेंट मेजर हम इस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी के तहत जिस टाइप के केसेस वहाँ हैं उसके तहत हम उस पर कार्य करेंगे। कि लॉकडाउन को लेकर जो आपने बताया, लेकिन मीडिया में कई तरह की, सोशल मीडिया में कई तरह की इसके फेज वाइज होगा, कुछ ने यही छाप दिया, कुछ अखबारों ने कि चार फेजेज में होगा, तो ये क्लियरिटी कर दीजिए कि क्या फेज वाइज तय हो चुका है लॉकडाउन का पालन? और कल पीएम ने भी संकेत दिए थे कि जिन जेलों में एक भी केसेज नहीं आया है उन जेलों में आप नॉर्मलसी लाइए, तो क्या इसकी शुरुआत होगी? सर, जैसे आपने कहा है कि जो भी आप ये बातें कर रहे हैं ये सोशल मीडिया से रिलेटेड कोई डिस्कशन है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले भी क्लियरली आदेश दिए हैं कि जब तक कोई ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन ना हो तो पब्लिक में कंफ्यूजन, भय की परिस्थिति उत्पन्न होने के चांसेस हैं। जो भी कोई डिसीजन लिया जाएगा बेस्ड ऑन द अवेलेबल फैक्ट, वी विल डेफिनेटली ब्रिंग यू टू योर नोटिस। एंड टिल द टाइम ए डिसीजन इज नॉट ऑफिशियली कम्युनिकेटेड, जब तक हम आपको ऑफिशियली कोई कम्युनिकेट ना करें तो आप काइंडली उस पर स्पेकुलेट ना करें। दिस इज माई रिक्वेस्ट। मिस्टर सिद्धांत फ्रॉम बियॉन्ड, stockpile when it comes to HCQ, and other than HCQ, what are the other requests globally we are getting for help? We know that medicine is one thing, but other than that, sir, as far as HCQ is concerned, कल भी मैंने आप लोगों को बताया था कि HCQ एक particular case में ही, that is critical patients as well as जो उनको health workers है उनको दी जाएगी। उसके लिए जो भी रिक्वायरमेंट आज देश की है उसके ऊपर ऑलरेडी फार्मा मिनिस्ट्री प्रॉपरली उसको एनालाइज कर चुकी है, उसके तहत वो प्रोडक्शन को भी मॉनिटर कर रही हैं, और हम लोग आई कैन अश्योर यू कि वी हैव सफिशिएंट क्वांटिटीज एज फार एज मैनेजमेंट एज एंड व्हेन नीडेड। प्लीज प्लीज जस्ट वेट वेट फॉर द अदर पर्सन टू आस्क पर्सन, प्लीज जस्ट वेट, बट जस्ट वेट मिस पान 153। Mr. Lav Agrawal, Sunil Prabhu from NDTV. Two, three important points. One is that, just to come back on that lockdown, because there is cross purposes. One, there is, you know, high government sources saying that y'all are reviewing, y'all are looking towards the state's demand for its increase. So we are not creating the news, you are creating the news, and we are going by what y'all are sending us, so we need to know. Just one pointed question, state. Second is about the PPP. What exactly, you know, in UK there have been some complaints from China what have been procured. In that version, are these PPEs that have come from China, are they, you know, of particular standard? Because there have been complaints in this regard. So if you could give us on both those. Yes, sir. So let me kindly again request and reiterate, जैसे आपने कहा है, अगर हम कोई भी निर्णय लेंगे, definitely हम आपकी दृष्टि में लाएंगे, उस तक काइंडली अगर कोई भी स्पेकुलेशन होती है तो पब्लिक के माइंड में किसी भी टाइप के डाउट प्रोड्यूस हो सकते हैं। आई रियली रिक्वेस्ट यू टू काइंडली गो बाय व्हाट आई एम एक्सप्लेनिंग टू यू। एज एंड व्हेन एनी डिसीजन विल बी टेकन, वी विल डेफिनेटली ब्रिंग यू टू योर नोटिस। ओके, एज फार एज द पीपीज आर कंसर्न, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वी हैव ऑलरेडी इशूड क्लियर डायरेक्शन कि नॉट ओनली पीपीज, N95 मास्क और एनी अदर लॉजिस्टिक्स, फॉर ऑल सच आइटम देर आर क्लियरली डिफाइंड टेक्निकल पैरामीटर्स। एनी आइटम and procured from anywhere which does not qualify into any of those parameters will not be accepted. Last question, 104. Sir, Paulimi from India Today. My question is on HCQ itself, because we had a notification from DGFT on the 4th of April which said that this comes under a restricted category. Today we are willing to export it. What changed? And secondly, what I want to know is, has there been some sort of a quid pro quo
in us also telling the US that you need to, you know, remove the bans which have been levied as far as the US FDA is concerned, various aspects where we've sought easy access for our pharma company? Ma'am, let me just again explain to you, whatever decisions are taken, they are taken based on the requirement of any particular medicine in the country. And as I just now explained to you, we, Pharma Ministry, is particularly coordinating on a day-to-day basis what would be the requirement of HCQ in the country, what is the production, what is the availability of API in the country in terms of what further can be produced, and based on that proper matching has been done. And to that extent, further I would really urge and request you that any speculation contrary to what we are trying to explain to you may not be actually